महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक काबू पा लिया जाने के बाद पाबंदियों में दी जा रही ढील के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यदि ऑक्सीजन की अधिक मांग होती है तो एक बार फिर राज्य में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि यदि राज्य में ऑक्सीजन की मांग प्रतिदिन 700 मैट्रिक टन से ज्यादा होती है तो राज्य में लॉकडाउन लग सकता है। राजेश टोपे ने कहा कि तीसरी लहर में जिस वक्त ऑक्सीजन की मांग 700 मैट्रिक टन के पार चली जाएगी, राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ये स्पष्ट नहीं है कि हमारी जो मांग होगी वो हमें केंद्र से मिल जाएगी। राजेश टोपे ने ये भी बताया कि महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल अब रात 10 बजे तक खुलेंगे, लेकिन इनमें केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं। प्रवेश में पहले उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना होगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में कोविड टास्क फोर्स के अधिकारियों समेत राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में तीसरी लहर, वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने आदि को लेकर चर्चा हुई थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।